ओम नमः शिवाय। दुर्लभ सामग्री को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर हमारे ग्रुप में आप शामिल होना चाहते हैं तो ग्रुप के लिंक को आप यहां पर ढूंढ सकते हैं और आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका काम बन रहा है और वशीकरण भी उनका सफल हो रहा है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका एक बार में काम हो जा रहा है, वो जाप करते हैं और काम हो जाता है। और मेरे पास उनके सबूत भी हैं, उनकी वॉइस है जो मैंने रिकॉर्ड की है, ताकि उन लोगों को विश्वास हो सके जो लोग ये समझते हैं कि वशीकरण संभव ही नहीं हो पाता। ऐसे ही एक हमारी साध्वी हैं जिनका काम बना है, और ये वशीकरण के लिए नहीं है, ये इनका एग्ज़ाम था किसी तरह का, और बहुत मेहनत करने के बाद भी लोग इसमें सफल नहीं हो पाते, और इनका बहुत ही सरलता से हो गया जब इन्होंने हमारा उपाय किया। और ये मतलब इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं बता नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप खुद उनकी आवाज़ सुनिए और उनकी खुशी को अनुभव कीजिए, फील कीजिए उनकी खुशी को। कौन सा वीडियो देखा था, पानी वाला? ओके ओके। तो देखिए, ये तो बिल्कुल मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि अगर कोई सही तरीके से करता है तो उसका कोई भी काम बन जाता है, ठीक है। और आपका काम बन गया तो आपको तो मुबारक हो इस बात की। आपको 18 दिन के अंदर मिला था। मुझे वो पानी वाला जो मैंने कहा था, मुझे 3 दिन या 4 दिन के अंदर रिजल्ट मिला था, और उसके बाद ही फिर मैंने वो उसकी वीडियो बनाई थी। और अगर कोई भी उसको ठीक तरीके से करेगा तो उसको 18 दिन से पहले नहीं आ सकता था, क्योंकि एग्जाम होने के बाद रिजल्ट भी तो आना। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा आपको जब आपको पता चला कि आपने क्रैक कर लिया एग्जाम, तो आपको कैसा लगा? हम सोच नहीं सकते थे 3 से 4 साल तक 2-2.5 लाख रुपए देकर कोच लेकर भी लोग नहीं निकाल पाते, और हमने सिर्फ घर में पढ़ कर निकाल लिया। हम यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये कैसे निकल गया यार हमारा। लेकिन हमें विश्वास था बिल्कुल, हमने जब आपके वीडियो देखा था तो मन से विश्वास किया था उस बात पर, और मन से किया था जो भी किया था, बोतल के ऊपर लिख कर रखा था, और उस बोतल के अलावा हम और किसी से पानी पीते ही नहीं थे। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप आगे किस किस को बताएंगे कि ये मतलब वाकई काम करता है? मतलब हमने व्हाट्सएप पे तो जितने ग्रुप थे सब में वो वीडियो शेयर किया था, और पता है अपने करीबी लोगों को, ज्यादा लोगों को तो नहीं, हमारे फेसबुक में या कोई सोशल व्हाट्सएप छोड़कर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में हमारा अकाउंट तो है नहीं, तो हमने जितने भी करीबी हमारे रिश्तेदार है या भाई बहन है और दोस्त है, हमने सबको बताया है कि ये जरूर काम करता है। जी जी, आप खुश है ना? अब तो आपको पूरा विश्वास हो गया होगा कि ये वाकई काम करता है। बिल्कुल, और हमें तो लगता है कि सारे वीडियोस ही काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं, अगर कोई सही तरीके से करेगा। लोगों के काम करने का तरीका कुछ गलत होता है या मिस्टेक हो जाती है, इसलिए उनका काम नहीं बनता। ये सारे वीडियो टेस्ट किए होते हैं। मतलब कितनी मामूली सी चीज है ना, पानी से हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत एडवांस साइंस है जो कि आने वाले 30 या 40 साल बाद लोगों को पता चलेगा, और इसको मैं आप लोगों तक आज ही बता रहा हूँ। तो बहुत से लोग इसको मजाक मानते हैं, बहुत से लोग इसको सीरियसली करते हैं, और उन आपके अलावा और लोगों के भी काम बने हैं। और आप सुनिए उनकी बात। जी जी जी, बिल्कुल। मजाक मानना है, क्या फर्क पड़ता है उनकी बातें, उनका काम हो या ना हो। जी जी जी, तभी मैंने ये वीडियो बनाई है, और ये करते रहिए। मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स दूंगा जो बहुत एडवांस होंगे, और वो मामूली से होंगे, उनका इतना बड़ा रिजल्ट होगा कि सामने वाला बिल्कुल हैरान हो जाएगा। बिल्कुल,
अब आप पानी का ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसको करते रहिए, ठीक है? ये आपके लाइफ टाइम के लिए है, कुछ भी आपको चाहिए होगा सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करिए और आप देखिए आपको वही चीज आपके सामने हाजिर हो जाएगी। हमें तो लगता है ये जरूर काम करता है, मतलब हमारे लिए इसने इतनी जल्दी काम कर दिया। लोग सालों साल कोच लेकर क्लैट एग्जाम निकाल नहीं पाते और हमने कोई कोचिंग नहीं ली थी, कुछ नहीं लिया था। हम पढ़ाई जरूर किए थे पर मुश्किल तो जरूर था ना, कोई कोच नहीं कुछ भी नहीं, पर फिर भी हमारा क्लैट निकल गया और हमें रैंक था 884। अच्छा। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको उनसे मिलाता हूँ जिनकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम थी वो हटी हैं। ये तो वो थी जिनका जो एग्ज़ाम था, जो कि बहुत ही उम्मीदों के साथ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, जो कि इनसे क्रैक नहीं हो रहा था और इनका एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से क्रैक हो चुका है और आप सुन भी चुके हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अब मैं आपको मिलाता हूँ उनसे जिनकी लव लाइफ में मेरिकल हो गया, चमत्कार हो गया जब से उन्होंने हमारे प्रयोग शुरू किए। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पल्लवी है। ओके, तो क्या आपको हेल्प मिली मेरे मंत्रों से? एक्चुअली मेरा लव लाइफ ठीक नहीं चल रहा था, तो देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग और तो उस वजह से हम लोग पूरे 1-1.5 महीने से बात नहीं कर रहे थे। तो आपका एक वशीकरण मंत्र था जो ब्रह्म मुहूर्त में करना था मॉर्निंग में, जो आपने बोला था 4-6 में, देन मैंने वो किया और लिटरली उम्मीद नहीं थी जैसे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपने बोला था वीडियो में कि ट्रस्ट रखो राइट और इन चीजों को करो, तो बस ट्रस्ट रखा और मंत्र स्टार्ट किया एंड आफ्टर 2-3 डेज ही हुए थे और मुझे मतलब यू नो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। अब हम लोग काफी अच्छे से बात करते हैं, यू नो सब कुछ अब ठीक हो गया। तो इट्स वेरी यूजफुल फॉर मी। अच्छा, कितना मतलब कितने टाइम में आपको रिजल्ट आने लग गया था? तो 3 डेज के अंदर, मतलब 3 डेज समथिंग था। अच्छा, तो हमारा बात होना स्टार्ट हो गया, वो भी उनकी तरफ से जहाँ से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा, तो जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं थी वहाँ पे उम्मीद की किरण जागी और उनकी तरफ से आपको रिस्पॉन्स मिला। एग्जैक्टली। ओके, और ये क्या कहते हैं कितनी बार जाप किया था आपने मंत्रों का? 21, आपने 21 टाइम बोला था ना? जी। सो आप देखकर फोटो देखकर फोन में, देन ब्रह्म मुहूर्त जो 4-6 का टाइम होता है, तो वो वाला टाइम पे मैंने 21 टाइम्स उसको किया। सो 3 डे था आई बिलीव, वो शायद 3rd डे था आई बिलीव। सो मुझे मॉर्निंग में मैसेजेस आए एंड देन कॉल्स and then everything is fine then. Okay, आपको मतलब कैसा लगा जब एकदम से ऐसा होने लगा, तो आपको शॉक नहीं लगा कि ये क्या हो गया? नहीं, वो तो मुझे लगा obviously, but I'm very happy now, so that's okay, okay. why. अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं और काम नहीं हो पाता और वो सोचते हैं मंत्र काम नहीं करते, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगी कि मैं क्या बोलूँ, मतलब आपने अपने वीडियोस में बोला ना कि ट्रस्ट रखो और जो जो आपने कॉशन बताया कि प्रॉपर ध्यान केंद्रित करना, राइट, इधर उधर के बातों में ध्यान नहीं लगाना जब आप ये चीज कर रहे हो, राइट, और बस वही चीजों को फॉलो करो एंड सब कुछ भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 5 मिनट का ही काम होता है मुश्किल से ये, राइट। तो बस मैंने वही फॉलो किया और ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। इसी श्रृंखला में और आगे चलते हैं और मिलते हैं एक ऐसी साध्वी से जिनके काम भी लगभग लगभग पूरे होने लग गए हैं। मेरा नाम मीता है। ओके। और मैं बंगाल से। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको? प्रॉब्लम ये है कि जिसके साथ मेरा मतलब मैं भी उसे चाहती हूँ और वो भी मुझे चाहता है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो शादी के लिए वो अपने घर पे बोल नहीं पाएगा। अच्छा, तो आपने मेरे ये जो मंत्र है ये कहाँ पे देखे थे आपने? YouTube में देखा है मैंने, जो आपका एक है ना जो 1 वीक फोटो को सिंदूर में रखना है, उसके बाद फ्राइडे के दिन
वो गंगा जल से उनका ये करने का है, जो मतलब 4 से 6 बजे के अंदर में। हाँ जी, वो वाला मैंने किया है। अच्छा, आपको मतलब मेरे मंत्रों से आपको रिजल्ट कब तक आने लग गए थे? मतलब मुझे लगता है कि मुझे रिजल्ट मिला है, नहीं तो फिर जो इंसान मेरे से बात करना बंद कर दिया था तो वो इंसान फिर से मेरे साथ बात करने लगा है। अच्छा। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है क्योंकि मैंने 1 महीना पहले आपका ये किया है, और दूसरा जो है वो आपका जो पानी का जो है 3 मंथ जो एक ही बॉटल में उसमें लिखने के बाद उसी बॉटल से ही पानी पीना है वो मैं कर रही हूँ। वो तो अभी 2 मंथ होने को आ गए, अभी 1 मंथ बाकी है, बट उसमें जो मैंने जो इच्छा लिखी है वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। अच्छा, बाकी वैसे आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं? हाँ, मैंने एक ही मतलब है तो आपके बहुत सारे, बट मुझे जो अच्छा लगा तो वो वाला मैंने किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, बहुत आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मैंने अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी है। ये तो वो लोग थे जिनसे आपको सीख लेनी चाहिए और आपको भी इनकी तरह करके अपने जीवन को और संवारना चाहिए। लेकिन सुबह सुबह ही मेरे पास एक फ़ोन आया और वो फ़ोन ऐसा था जिसको मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अगर आपके पास कभी भी ऐसा फ़ोन आए जो आपसे आपके क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मांगे तो उसे कभी मत दीजिएगा। आप उसकी आवाज़ को सुनकर ही पहचान सकते हैं कि ये नंबर फेक है या फिर ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। मेरे पास भी आया, मैंने उसकी आवाज़ से पहचान लिया था और मैं चाहता हूँ आप ऐसे कॉल्स को सुनिए, समझिए और आगे से सतर्क रहिए। ये सभी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनिए इस कॉल को। जी अब बोलिए, क्या चाहते हैं आप? अच्छा, ये ब्लॉक हो जाता है एटीएम कार्ड? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो ये ओपन कैसे होगा? आधार कार्ड तो है मेरे पास, देखना पड़ेगा मुझे। पानीपत से बात कर रहे हैं? राहुल शर्मा। कौन से बैंक से बात कर रहे हैं? SBI क्या? SBI ग्रुप। अगर ऐसा कॉल आपके पास आता है तो आपको अपने जो भी पर्सनल डिटेल है वो बिल्कुल नहीं देनी है और आप इनके नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। और कुछ भी अगर कभी भी बैंक की तरफ से ऐसे कॉल्स आते हैं, पहली बात तो किसी भी बैंक की तरफ से ऐसे कॉल नहीं आते, और स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से तो कभी भी ऐसी कॉल नहीं आएगी, तो इनका आपको जवाब नहीं देना है और कुछ भी पर्सनल डिटेल आपको इनको नहीं देनी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक शेयर करिए, जितना हो सके दूसरों तक पहुँचाइए ताकि आपके द्वारा दूसरों की मदद हो सके। याद रखिए, दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी मदद स्वतः ही होती जाएगी। और जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना जो मैसेज है वो छोड़ सकते हैं। और पेशेंस रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ओम नमः शिवाय।